Hi everyone. This is your faculty of reasoning, and I welcome you all on Puzzle Pro. आप सभी बच्चों का बहुत दिनों के बाद हार्दिक स्वागत है इस सेशन में आई नो इतना बड़ा गैप बनता नहीं था पर ले ली मैंने छुट्टियाँ छुट्टियाँ नहीं बोलूँगी एक्चुअली डॉक्टर्स ने बोला है बच्चों मुझे रेस्ट करने के लिए और फिलहाल अभी के लिए भी बोला हुआ है बट क्योंकि मैंने आप सभी बच्चों को प्रॉमिस किया हुआ है तो इसीलिए मैं आई हूँ और अगर लाइव सेशंस नहीं भी हो पाते हैं तो आई नो आप इतना तो एडजस्ट कर लोगे कि रिकॉर्डेड सेशन से काम चला लोगे है ना कर लोगे ना इतना तो इसीलिए ये रिकॉर्डेड सेशन है और कोशिश करूंगी हर रोज डेली बेसिस पर आपको शाम को ठीक है हर रोज शाम को आपको एक वीडियो मिल जाएगा आपके एस बी आई क्लर्क मेन से पहले और बहुत ही तगड़ा 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 कंटेंट एकदम एग्जाम लेवल की चीजें आपके लिए लेकर आऊंगी मैं ठीक है तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सीधा स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप बोलोगे मैम आप हमारा ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हो <coughs> कुछ भी चीज इंटेंशनली नहीं की गई है मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है थोड़े टाइम में आप सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ठीक है चलो आ जाओ पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हाई लेवल ले कोडिंग रिकॉर्डिंग आज जो मैं आपके पास लेकर आई हूँ कोडिंग रिकॉर्डिंग लगभग हर एक टाइप का आपके सामने लेकर आऊंगी मिक्स्ड कोडिंग रिकॉर्डिंग ठीक है चाइनीज नहीं जो आपके मेंस में पूछा जाता है हाई लेवल कोडिंग रिकॉर्डिंग जिसको हम मिक्स्ड बोलते हैं जिसमें आपके पास में लेटर आ जाता है नंबर आ जाता है सिंबल आ जाता है इन सब का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो अगर इस सेशन को कोई बिल्कुल बिगिनर बच्चा भी देखेगा ट्रस्ट में ये सेशन उसको भी समझ में आ जाएगा ठीक है तो आ जाओ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा ठीक है तो इसीलिए टेंशन मत लो और मैं नहीं चाहती हूँ आप बच्चों का टाइम वेस्ट हो इसीलिए जो बच्चे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आए आपके सामने बनाओ आगे बढ़ो वीडियो को आगे करो सेकेंड क्वेश्चन किया देन मूव ऑन टू द थर्ड इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता जाओ टाइम वेस्ट मत करो फटाफट से कर लेना चलो तो ये क्वेश्चन कैसा होता है आप सभी के सामने है बियॉन्ड केमिकल्स विद इन फूड यहाँ पर कुछ है बियॉन्ड केमिकल्स विद इन फूड इसको लिखा जाता है ऐसा 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 हमारे पास चार वर्ड्स हैं आगे आपको चार कोड दिए गए हैं ये अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि, कि किस वर्ड का क्या कोड है हो सकता है बियड का हो ऐट द रेट एम ट्वेंटी केमिकल्स का हो ऐट द रेट डब्ल्यू वन फाइव इसी तरीके से हर एक का एक एक है हर एक वर्ड का एक जो ये चार आगे दिए ये चार वर्ड्स जो हैं इनके लिए जो आगे चार कोड्स दिए गए हैं हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर कोड है अब वो वर्ड से जो कोड बना हमको उसी को ही डिकोड करना है उसी को हमें डी करना है ठीक है <clears throat> कि अगर ये लेटर आया लेट से यहाँ पर अगर एम आया तो एम कैसे आया ट्वेंटी आया तो कैसे आया एट द रेट आया तो कैसे आया ये सब चीजें हम लोग करेंगे तो इसके कुछ बेसिक चीजें होती हैं इट ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन आपको आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए धीरे धीरे वो अच्छी हो भी जाएगी ठीक है तो पहले यही लेकर चलते हैं केमिकल्स फूड इससे पहले कुछ एक चीजें होती हैं लेटर के पीछे का क्या होता है हम हमारे पास में इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं छब्बीस होते हैं ए से लेकर जेड तक आपको सभी का <clears throat> क्या पता होना चाहिए प्लेस वेल सबकी प्लेस वैल्यूज जैसे ए का वन होता है बी का टू होता है सी का थ्री डी का फोर इस तरीके से जब भी आपका पेपर हो तो आप लोग क्या कीजिए इसको हमेशा नोट डाउन ही कर लो अपने पेपर पर तो बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकियों को नीचे। अब M का जो reverse होता है, उल्टा होता है वो ये होता है तब का ऐसा नंबर भी नोट कर लो तो बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये चीज होती है आपको सबकी प्लेस वैल्यू टिप्स पर होनी चाहिए रैंडमली कुछ आ जाता है एफ का रिवर्स क्या होता है ऑपोजिट क्या होता है यू होता है एच का ऑपोजिट क्या होता है एस आर का ऑपोजिट क्या होता है आई इस तरीके से आपको ये सब चीजें याद रहनी चाहिए और होता क्या है मैं वो बताती हूँ कैसे ढूंढते हैं अब जैसे कि आपके सामने आया बियॉन्ड केमिकल्स विद इन फूड मुझे यहाँ पर दिखा एम डब्ल्यू डब्ल्यू एच हम लोग सबसे पहले कैसे चेक करते हैं इसका फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर फर्स्ट पहले फर्स्ट और लास्ट से चेक करते हैं हम लोग कि बी है डी है बियड का सी है एस है विद इन में डब्ल्यू पहला है एंड लास्ट है तो देखते हैं कि ये एम डब्ल्यू डब्ल्यू एच किसी के आसपास है क्या किसी के आसपास है या फिर किसी का ऑपोजिट होता है इस तरीके से चेक करते हैं हम इसे <coughs> मुझे अब क्लियरली मतलब क्योंकि ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है एकदम क्लियर समझ में आ रहा है एन का ऑपोजिट एम होता है d का ऑपोजिट W, D का W और S का H. तो समझ में आ गया कि ये यह यहाँ पर कौन किसका है जो दो सेम है जैसा कि यहाँ पर भी लास्ट में D है बियॉन्ड में फूड में भी लास्ट में D है तो इसका डब्ल्यू डब्ल्यू है नहीं पता बाकी का तो पता चल गया एट द रेट एम ट्वेंटी किसका हुआ बच्चों विद इन का पता चल गया हमको अब ये तो समझ में आ गया कि लेटर का जो आपका पीछे का रीजन है डी किया तो पता चला कि लास्ट लेटर का ऑपोजिट करना है ठीक है अब आ जाओ अब जरा देखो नंबर कहां से आया ट्वेंटी इन सब का तुमको याद होना चाहिए क्या प्लेस वैल्यू टी का ट्वेंटी होता है मुझे पता है है ना तो अब मुझे कंफर्म भी तो करना पड़ेगा कि मैंने जो कोड निकाला है वो सही भी है या नहीं है तो चलो हम इन का देख रहे थे केमिकल्स का देख लेते हैं एच वाले में क्या है एट द रेट एच ट अरे नहीं मैं नीचे चली गई रुक जाओ यहां पर एच वाला कौन सा परसेंट एच फाइव परसेंट एच फाइव है केमिकल्स का एच एस का ऑपोजिट फाइव आया ई e का लेफ्ट हैंड साइड से जो तुम्हारा थर्ड लेटर है उसका क्या है प्लेस वैल्यू फाइव तो यानी कि यहाँ वाला भी हमने जो देखा था लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड लेटर है टी उसका ट्वेंटी तो ये सही ये सही समझ में आ गया लेटर कैसे आया नंबर कैसे आया समझ में आ गया तो नंबर हमारा यहाँ पर कैसे आया बच्चों लेफ्ट हैंड से जो थर्ड लेटर है हमारा उसका प्लेस वैल्यू ठीक है अब चलते हैं हम सिंबल की तरफ सिंबल्स कितने तरीके के यूज एट द रेट और परसेंट और कुछ है नहीं एक है एट द रेट एक है परसेंट ये दो सिंबल्स जब दो ही तरीके के सिंबल्स यूज किए जाते हैं तो हाइयर चांसेस हैं कुछ ऑड इवन है अब ऑड इवन कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स ऑड इवन हो सकता है नंबर ऑफ वॉर्बल्स ऑड इवन हो सकता है नंबर ऑफ कॉन्सोनेट्स ऑड इवन होता है और स्टार्टिंग का तुम्हारा लेटर कई बार क्या होता है जैसे यहाँ पर बी ऑन है यहाँ पर भी कम है कई बार क्या होता है कि जो स्टार्टिंग लेटर अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो उनका सेम हो जाता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि मैं अभी आप आगे आपको कराऊंगी ठीक है तो अब बियॉन्ड केमिकल विद इन हमको देखना है सिमिलैरिटी इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है सिमिलैरिटी अब जैसे यहाँ पर एट द रेट एट द रेट और एट द रेट ठीक है तो हमको पता है डब्ल्यू वाला ये डब्ल्यू वाले केस में भी एट द रेट आया डब्ल्यू वाले केस में एट द रेट आया और एम वाले केस में एम वाला कहाँ है भैया ये रहा एन का ऑपोजिट एम है ना यहाँ पर एट द रेट है तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स चेक करो बियॉन्ड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसमें है नाइन ठीक है और इसका है भी परसेंट तो यहाँ पर इवन है एट द रेट आई विद इन मैं चेक करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें सिक्स है एट द रेट फूड में एक दो तीन चार तो चार छ नंबर ऑफ लेटर्स जब चार हैं छः हैं छः हैं मतलब ईवन है तब का क्या यूज हुआ है एट द रेट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर तो हैं Even, तो एट द रेट और अगर तो नंबर ऑफ लेटर्स है बच्चों ओड तो है परसेंटेज चेक कर लीजिए बेसिक क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है इसीलिए धीरे धीरे टेंशन मत लो क्वेश्चंस का लेवल एकदम बढ़ता जाएगा आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा याद रखना क्वेश्चंस को हम इजिली uh, कर पाते हैं सॉल्व डी कर पाते हैं जब हम सिमिलैरिटी देखते हैं जैसे यहाँ पर एट द रेट एट द रेट की सिमिलैरिटी थी डब्ल्यू डब्ल्यू भी था तो हम ऐसा भी चेक कर सकते थे कि यहाँ पर क्या सिमिलर है इधर डी दिख रहा है इधर भी लास्ट में डी दिख रहा है इस तरीके से चेक करते हैं अगला w का छ है तो इवन के लिए एट द रेट था ना बच्चों जो भी था देख लेना के लेनाट था ठीक है इस तरीके से बाकी क्वेश्चन है हम लोग बहुत ही इजीली इनको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने अगेन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। बट यहीं से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर जब मुश्किल आएगा तब भी हो जाएगा हमारा ठीक है फर्स्ट इम्पैक्ट राइज इज गुड इज रिटर्न एज दिस दिस दिस। क्वेश्चन आसान लग रहा है क्योंकि दो ही चीजें यूज की गई हैं सिंबल नहीं है सिर्फ लेटर है और हमारे पास में नंबर है पहले देखो फर्स्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ लेटर्स है पॉसिबल है यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है का अकाउंट है वही तुम्हारा नंबर के पीछे का लॉजिक है फिर भी चेक कर लेते हैं ह्यूमन वन टू थ्री फोर फाइव बिल्कुल सही नंबर के पीछे का लॉजिक मैं लिखूंगी भी नहीं समझ में आ गया क्लियरली अब जे आया यहाँ पर अब जे सिक्स सिक्स वाला तो एक ही है तो अब इम्पैक्ट से आई एम पी ए सी टी जे आई में जस्ट प्लस वन करें अगर हम आई का जस्ट नेक्स्ट अल्फाबेट होता है जे अगर हम ठीक है तो बाकियों में भी यही होगा गुड्स फाइव तो जी के बाद में आता है एच एच फाइव यानी कि गुड्स का हो गया एच फाइव तो अब ये जी फाइव किसका है भैया फर्स्ट का देखो फर्स्ट एफ का जस्ट नेक्स्ट uh, होता है एफ में तुम एफ का प्लेस वैल्यू में वन ऐड करोगे तो जी आएगा बिल्कुल आएगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पांच है पांच है बिल्कुल सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना टाइम वेस्ट ही नहीं करते आगे चलते हैं अगला ये रहा आप सभी के सामने चलो टेकिंग मेडिसिन विद एडवाइस ओके मेरा एक तरीका है जब कभी थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना अब जैसे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे ना वो एक्चुअली देखते ही समझ में आ रहे थे यहां भी आ जाएगा समझ पर जब कभी ऐसा कुछ लगता है ना कि मुश्किल सा आ गया है तो नोट कर लो थोड़ा सा टाइम जाता है मतलब जब तुमको नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली पढ़ने पर इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही जस्ट एग्जांपल बता रही हूं अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या है तो एक लाइन को नोट कर लो ठीक है फिर उसके बाद क्या करो आगे अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमेशा नोट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चार हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सभी के जितने भी लेटर्स हैं उनके ऑपोजिट्स लिख लो उनकी प्लेस वैल्यूज लिख लो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा आंसर ना निकले पक्का निकलेगा पक्का निकलेगा ठीक है चलो देखो हाँ हमको चाहिए एच जी ई और ई e. दो में ई e यूज हुआ है तो ई e और ई e. मेडिसिन के लास्ट में ई e, एडवाइस के लास्ट में ई e. का समझ में आया शायद हो सकता है अभी हम पक्का नहीं कह सकते तो ह और जी भी लास्ट लास्ट में में होने चाहिए ह लास्ट में है जी लास्ट में देख के ही समझ में आ गया तो हमको समझ में आ गया क्या कि एच वाला यूज हुआ है इसके लिए विद का है एच एंड ट्वेंटी थ्री एडवाइस वालों में हम थोड़े कंफ्यूज होंगे तो हम जी वाला नोट कर लेते हैं जी हैश ट्वेंटी ठीक है लास्ट लेटर एज इट इज लेटर का हो गया नंबर देखिए ट्वेंटी तो की प्लेस वैल्यू ट्वेंटी होती है साफ ही समझ में आ रहा है ट्वेंटी थ्री डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है साफ ही समझ में आ रहा है तो अब यहाँ भी समझ में आ ही रहा है कि अगर ई e है एम थर्टीन ई है वन तो थर्टीन वाला कौन सा ई हैश थर्टीन मतलब यहाँ पर हैश है और वन वाले में एंड है तो नंबर और लेटर बिल्कुल आसान है आगे चलो हैश हैश एंड एंड छह नंबर ऑफ लेटर्स आठ नंबर ऑफ लेटर्स चार छ सारे ही कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं इवन नंबर यानी कि यहाँ पर कुछ और रोला रप्पा है भैया है ना पहली बात नंबर ऑफ सिंबल्स चेक करो एंड नजर आया हैश परसेंट भी नजर आया मुझे एट द रेट भी नजर आया मुझे तो हमारे पास यहाँ पर चार तरीके के सिंबल्स यूज किए गए हैं बच्चों तो चार तरीके के सिंबल्स यूज किए गए हैं तो ऑब्वियसली इवन ऑड नहीं होगा है ना नंबर ऑफ लेटर्स वैसे भी यहाँ पर सारे ही इवन है लेकिन सबका अलग है इसका इन दोनों का हैश है उन दोनों का एंड है तो अब हम चलते हैं नंबर ऑफ वॉवल्स और कॉन्सनेंट्स पर ये एक तरीका एक एक स्टेप हम धीरे 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 आगे बढ़ाते जाएंगे अपना ठीक है चलो अब टेकिंग में ए आई दो वॉवल्स हैं दो वॉवल्स हो गए चार कॉन्सोनेट्स क्योंकि छह लेटर्स हैं मेडिसिन में ई आई आई ई चार वॉवल्स चार कॉन्सोनेंट्स ठीक है विद आई एक वॉवल है और तीन हो गए कॉन्सोनेंट एडवाइस ए आई ई तीन वॉवल्स तीन कॉन्सोनेंट्स क्या चीज मिली अब हमको यहाँ पर इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है तभी एंड और एंड लगा सिमिलैरिटी क्या है वॉवल तो इसमें ये देखो यहाँ पर ये टोटल चार नंबर ऑफ इसके लेटर्स थे इसके आठ थे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, इसके छे थे और इसके छे थे सिमिलैरिटी दोनों में एक वोवल तीन वोवल ये सिमिलैरिटी नहीं है तीन कॉन्सोनेंट, तीन कॉन्सोनेंट तो यानी कि जहां पर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अगर तो है हमारे पास में तीन तो वहां क्या सिंबल लगेगा एंड लग जाएगा इन दोनों में भी कुछ सिमिलैरिटी होगी दो वोवल चार वोवल वोवल्स में सिमिलैरिटी नहीं है कॉन्सोनेंट चार कॉन्सोनेंट चार कॉन्सोनेंट तो चार कॉन्सोनेंट होंगे तो हमारा क्या सिंबल लगेगा हैश सिमिलरली अब बाकी के जो दो बच गए वो हम निकाल सकते हैं कौन सा एक एट द रेट है और एक परसेंट है, है ना जैसे कि अभी एल है एल एम इसका है एम तो जरा चेक करो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने एल में एक दो दो कॉन्स है तो जब दो होंगे तो ये आ जाएगा हमारा परसेंट और अब एक बच गया तुम्हारा एट द रेट ये रहा ई लास्ट में कहा है आर में है और इसमें कितने नंबर ऑफ कॉन्सेंट्स है ए ई दो वॉवल्स एक ही कॉन्सोनेंट है तो अगर एक कॉन्सोनेंट होगा तो लगेगा एट द रेट अगर एक कॉन्सोनेंट होगा तो लगेगा एट द रेट बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था और ये भी इजी था इसको डिकोड करना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था अभी धीरे धीरे चलते चलो क्वेश्चंस में मजा आता जाएगा कहते एक्सक्लूड का लास्ट लेटर डी और फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू ये था ना हमारा नंबर के पीछे का लॉजिक अब नंबर ऑफ कॉन्सेंट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर चार कॉन्सेंट्स है तो चार कॉन्सेंट्स वाले में क्या लगेगा हैश लगेगा तो यहां पर हो गया हमारा डी हैश फाइव बी ऑप्शन सिमिलरली प्लेड का निकालना है तो डी का होता है सिक्सटीन तो डी सिक्सटीन वाला हैश है और एट द रेट है तो चेक कर लो पहले तो वन टू थ्री चार है बच्चों कॉन्सनेंट चार कॉन्सनेंट के लिए हैश लगता है तो डी हैश सिक्सटीन इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों ठीक है चलो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है आपको पॉसिबल कोड बताना है बेंगोल का ठीक है अभी बहुत सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन होने वाले हैं सेशन में तो बेंगोल का इस वाले क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया उसके हिसाब से आपको बताना है बेंगोल का कोड क्या होगा ठीक है कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे बताएंगे अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने okay. <coughs> 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 तो द कोल क्राइसिस ब्रिंग्स इज रिटर्न एज दिस 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 एक्स एक्स वाई जी ये कैसे आया एक्स एक्स दो बार आया तो कुछ कॉमन कॉमन एक्स है यहां पर यहां पर भी एक्स है तो यहाँ पर मुझे सी और सी कॉमन नजर आ रहा है और सी का ऑपोजिट होता भी एक्स है चाहो तो अगर आपको यूं याद नहीं है तो ए से लेकर एम एम के जस्ट नीचे फिर एन इस तरीके से नोट करके नोटबुक पर रख लेना ठीक है तो एक चीज तो जो क्लियरली समझ में आ रही है यहां पर क्राइसिस ब्रिंग्स साफ समझ में आ रहा है सी का ऑपोजिट है सी का ऑपोजिट है uh, का ऑपोजिट होता है जी और बी का होता है वाई तो समझ में आ गया वाई वाला वाई परसेंट नाइन इसका है एक्स एक्स अब इसके लिए रुक जाते हैं जी के लिए क्या है परसेंट फाइव है ठीक है तो कैसे निकाले अब इसे ये फाइव कैसे आया मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर ई का फाइव है है ना ई की प्लेस वैल्यू है फाइव टी की क्या है ट्वेंटी एच की एट ओके कॉल और प्राइसेस में अभी हमको नहीं पता वैसे नोट कर लेते हैं सी का थ्री ओ का फिफ्टीन ए का वन एलका आई का नाइन एस का नाइनटीन आई का नाइन और एस का बी का टू आर का नाइनटीन सॉरी एटीन होता है आर का आई का नाइन एन का फोर्टीन जी का सेवन एस का नाइनटीन ठीक है अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो नाइन आया है लेफ्ट हैंड से तीसरा है आई ठीक है लेफ्ट हैंड से तीसरा और अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ तो लेफ्ट हैंड से तीसरा तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए लेफ्ट हैंड से तीसरा है ए तो x के साथ में वन x के साथ में एटीन x के साथ में सिक्सटीन मतलब कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक नहीं है वो गलत है लेफ्ट हैंड से तीसरा जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू इज नॉट द नंबर ठीक है कुछ और है अब मुझे यहाँ पर नाइन ब्रिंग्स में सिर्फ i है जिसकी प्लेस वैल्यू नाइन है टी एच ई में सिर्फ e है जिसकी प्लेस वैल्यू फाइव है ये है क्या एक्चुअली ये वॉबल है ब्रिंग्स में आई एक वॉवेल है बाकी सारे के सारे कॉंसोनेंट्स हैं तो कुछ दिमाग में आया वॉवल्स की बात हो रही है अब एक जगह पर एक्स में 18 है एक जगह पर 16 है मैं कोल में देखूं तो 16 मेरा बन सकता है 15 वन से दोनों क्या है वॉवल्स तो यानी कि यहाँ पर नंबर कैसे आया है वॉवल्स के एडिशन से वॉवल्स के प्लेस वैल्यूज की एडिशन से बना है हमारा नंबर ठीक है तो यहाँ पर आया सिक्सटीन ठीक है और सिक्सटीन है तो जरा चेक कर लो 16 के लिए हैश, हैश 16, और और पर देखो आई आई और एटीन आई, 18, 18 वाले में हैश चलो अब जरा हम चेक करें हमको लेटर समझ में आ गया पहले लेटर का ऑपोजिट है रिवर्स है और नंबर कैसे आया है नंबर हमारा आया है वोवल्स के एडिशन से ठीक है अब उसके बाद बच गया हमारा हैश परसेंट पहले तो चेक कर लो कितने तरीके के हमारे पास में है यहाँ पर क्या सिंबल्स हैश और परसेंट दो ही तरीके के हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डेवन है नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूं तो तीन चार छ तो इसमें चार छ छत है, है। नंबर ऑफ लेटर्स पर तो नहीं डिपेंड करता तो अब हम कहा जाएंगे नंबर ऑफ वॉवल्स कॉन्सोनेट्स पे इसमें एक वॉवल है दो कॉन्सोनेट्स इसमें दो वॉवल्स दो कॉन्सोनेट्स ठीक है क्राइसिस में आई आई दो वॉवल्स चार कॉन्सोनेट्स ब्रिंग्स में आई सिर्फ एक ही वॉवल है और बाकी के पांच हो गए तुम्हारे अब इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है दो वोवल दो वोवल, दो गौन्सुरेंट, चार सिमिलैरिटी मुझे वोवल्स की नजर आई मतलब कि दो वोवल दो वॉवल ठीक है तो यहां पर इसलिए लगा हैश यहां पर क्या सिमिलैरिटी है यहां पर भी परसेंट लगा है वहां पर भी परसेंट लगा है एक वॉवल यहां पर भी देखो एक वॉवल तो समझ में आ गया अगर एक वॉवल है तो क्या लगेगा परसेंट लगेगा इस वाले केस में दो वॉवल्स थे तो हमारा हैश लगा था बस यही है एक और है बच्चों यहां पर मुझे नजर आया परसेंट भी है परसेंट भी है तो चलो चेक कर लेते हैं एस का ऑपोजिट होता है एच तो यानी कि शॉर्टेज के लिए एच परसेंट ट्वेंटी वन लगा है तो परसेंट अरे परसेंट तो हम निकाल चुके हैं हो तो गया हाँ परसेंट में अलग क्यों सोच रही हूँ हैश और परसेंट ही तो है बिल्कुल सही है लेकिन 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 ले रुको मैंने बोला एक वॉवल के लिए परसेंट लग रहा है तो यहां पर शॉर्टेज में अरे भैया ये क्या गड़बड़ हुई शॉर्टेज में एस है एस का ऑपोजिट एच एक ही है एस वाला और कोई नहीं है तो एच परसेंट ट्वेंटी ओ ए तीन वॉवल्स हैं तो बच्चों ऐसा होगा कि अगर नंबर ऑफ वॉवल्स हाँ ऐसा होगा मतलब मैंने वन और टू ऐसा बोल दिया मतलब कि अगर आपके नंबर ऑफ वॉवल्स क्या होंगे ओड होंगे तो परसेंट और अगर नंबर ऑफ वॉवल्स इवन होंगे तो हैश ऐसा होगा तभी शॉर्टेज में तीन आए तीन वोवल्स आए तो एक वोवल के लिए तीन वोवल के लिए क्या लग रहा है परसेंट लग रहा है और बाकी देख लो दो वोवल्स के लिए अगर कहीं पर चार वोवल्स भी आए होंगे जैसे कि है क्या कोई ऐसा नहीं ऐसा तो कोई नहीं है चार वाला मतलब दो ही है इवन के केस में ठीक है कोई बात नहीं नंबर ऑफ वोवल्स अगर इवन होंगे तो आपका हैश लगेगा नंबर ऑफ वोवल्स अगर ओड होंगे तो परसेंट लगेगा सिंपल सी चीज है आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है बच्चा लोग देखो एवरीथिंग एवरीथिंग फर्स्ट का ऑपोजिट वी तो ये हो सकता है ये हो सकता है और नंबर ऑफ वॉवल्स को जितने भी वॉवल्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करना है ई e, पांच पांच और कौन सा है? आई और कोई है नहीं है तो कितना हो गया बच्चों नाइनटीन तो भी परसेंट या है अब वो देख लेते हैं नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं बच्चों यहाँ पर तीन है नंबर ऑफ वोवल्स हमारे पास में तीन है ऑड है तो परसेंट लग जाएगा परसेंट लग जाएगा तो वी परसेंट नाइनटीन सही है ये वाला गलत है ठीक है तो एच का ऑपोजिट तो क्या होता है एस होता है एर आई नाइन प्लस और दो वोवल्स हैं तो हमारा हैश लग जाएगा एस हैश टेन मिला कहीं बिल्कुल मिला सी ऑप्शन सही है आगे चलो uh, आपको बताना है इस क्वेश्चन में इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड जी हैश टेन जी हैश टेन किसका कोड हो सकता है जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस हैव दिस ट्री हेयर या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में अब हम चलते हैं एकदम धुआंधार क्वेश्चंस पर मतलब मजेदार बढ़िया एकदम अगला क्वेश्चन ये है बच्चों आप सभी के सामने फटाफट से देख लो भैया इसे फटाफट फड़ से बनाइए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा अलग है हटके है ये क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि हम जनरली एक सिंबल वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अभी आज मैं आप, आप सभी के सामने दो सिंबल्स वाला क्वेश्चन लेकर आई हूँ सर्वे कास्ट मैंडेट रेजिडेंट पी ए क्यू के ऐसा नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेनी है कभी भी मैंने तुमको एक चीज बोली है सर्वे तीन चीजों को अगर नोट करके रखोगे कभी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो बस आपको ऑब्जर्व करके पकड़ना है जरूर चेंजेस को सिमिलैरिटी को पकड़ना है तो अब हमको ये तो पता नहीं किसका क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एस की प्लेस वैल्यू नाइनटीन यू की ट्वेंटी वन आर की एटीन वी की ट्वेंटी टू ई की फाइव वाई की ट्वेंटी फाइव अरे मैं तो अभी देख रही हूँ यहाँ पर एटी ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेंटी नंबर्स काफी ऐसा बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं लेकिन अगर मैं यहाँ देखू तो मुझे सोलह भी नजर आ रहा है अस्सी सो so, मतलब एक चीज पक्का है मल्टीप्लीकेशन किया गया है अगर हम यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व करें सेवेंटी सिक्स हैं इवन नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर्स नंबर्स बड़े हैं हैं और इवन नंबर्स हैं, है ना एक सिंगल जगह पर ओड नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन कुछ किया गया क्योंकि हंड्रेड अगर हम सारे डिजिट्स को ऐड कर दें तो भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सबका ही इवन आए तो कहीं ना कहीं ओड होता अगर सभी के सभी की प्लेस वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं मान लो कि ये कास्ट है या मैंडेट है इसमें सबको इंडिविजुअली ऐड करें तो इतने सारे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है हो भी सकता है पर मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं क्योंकि नंबर्स बड़े भी हैं और सभी के सभी मुझे इवन नजर आ रहे हैं इवन नंबर्स नजर आ रहे हैं तो कुछ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कोई बात नहीं चेक कर लेंगे ठीक है मैं यहाँ पर सबके बच्चों प्लेस वैल्यूज नोट कर रही हूँ एस की नाइनटीन ट्वेंटी एम थर्टीन ए वन एन फोर्टीन डी फोर ए वन टी ट्वेंटी ई फाइव एटीन ई फाइव एस नाइनटीन आई नाइन डी फोर ई फाइव एन फोर्टीन टी ट्वेंटी ठीक है अब मुझे ना एक चीज समझ में आती है अस्सी बीस हंड्रेड मैं यहां पर देख रही हूँ एटी ट्वेंटी हंड्रेड और ट्वेंटी ये इनमें से किसी ना किसी का क्या है सर्वे uh, का एटी ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेंटी में से कोई एक तो नंबर होगा ना सर्वे के लिए जो कोड है सर्वे का जो भी कोड है तो उसमें एटी ट्वेंटी हंड्रेड या ट्वेंटी में से कोई कोड होगा है ना नंबर के लिए ओके okay. सिमिलैरिटी huh. similar, भी है यहां देखो यहां पर भी बीस यहां पर भी बीस तो कुछ सिमिलर कास्ट और मैंडेट में मुझे एक चीज नजर आई ई e और ई e. दोनों में ई e है लास्ट में और कुछ सर्वे और रेजिडेंट में मुझे कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है लास्ट में ई e, लास्ट में ई e. तो 2020 हो सकता है कि इनका हो और अगर 2020 है तो फाइव इंटू फोर करेंगे तो आ जाएगा है ना तो शायद शायद हो सकता है यहाँ ट्वेंटी फाइव है तो इंटू फोर करेंगे तो हंड्रेड आ जाएगा अरे भैया हो गया ट्वेंटी इंटू फोर करेंगे तो एटी आ जाएगा मजा आ गया सच में सिंपल था अच्छा था बस ऑब्जर्व करना था है ना तो नंबर तो मुझे समझ में आ गया है आगे चले पी ए क्यू के पी ए क्यू के कैसे आया सब किसी का ऑपोजिट है ऐसे चेक करें एक चीज देखो मुझे समझ में आ गया पी की प्लेस वाली होती है सोलह एक ही होती है वन ठीक है हाँ क्योंकि होती है सत्रह और मुझे जो सिमिलैरिटी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है सिक्सटीन इन नंबर्स में से किसी के आसपास है 19 के पास है और यहां पर आ, मतलब कि मैं फर्स्ट और लास्ट से चेक कर रही हूं पहले ठीक है क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ में आ पाएगा पहले फर्स्ट और लास्ट से नाइनटीन के पास में है सिक्सटीन अगर मैं देखूँ तो एटीन के पास में भी है ये पी सिक्सटीन माइनस का टू करके आ सकता है ए छोटे वाला उठा लेते हैं बड़ा रहने किसके आसपास है इसका सेकंड लेटर ए है इसका भी second letter A है तो दो जगह पर ए आना चाहिए था यानी कि second letter की नहीं बात हो रही है। वन तो आएगा इसकी प्लेस वैल्यू में माइनस टू करूं तो सेवनटीन आएगा इसकी प्लेस वैल्यू में माइनस टू करूं तो ग्यारह आएगा इसकी प्लेस वैल्यू में तो माइनस टू करूंगी तो सोलह आएगा मिल गया समझे तो ये P जो है ये इसके पास हो गया क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू में से माइनस टू करके आया P का प्लेस वैल्यू तो यानी कि यहाँ पर है हमारा P यहाँ पर M माइनस टू किया इलेवन इलेवन किसका था K यानी कि ये K ट्वेंटी वाला जो है वो इसके लिए है अरे एक और गड़बड़ की हमने बहुत सिंपल था जब हमको नंबर्स पता चल ही गए थे मतलब ये मैंने ऐसे टाइम लगाया इसको एक्चुअली सॉल्व करने में मुझे क्या करना था मुझे ये तो पता चली गया कि हंड्रेड किसका ट्वेंटी ट्वेंटी वाला था हंड्रेड और एटी पता चल गया था किसका है हंड्रेड यहाँ पर एटी वहां पर तो मुझे ये तो पता चल ही जाता क्योंकि एटी वाले में यही लगा हुआ है स्टार और डॉलर्स का सिंबल तो पी कंफर्म था तो पी और आर आसपास थे मुझे ज्यादा नहीं सोचना पड़ता माइनस या ऐसा कुछ तो सिमिलरली हंड्रेड वाले में हमारे पास में था क्यू स्टार और एंड है ठीक है क्यू तो एस के आसपास है और कितना उतना माइनस तो बहुत इजीली हो जाता ठीक है तो भी कर सकते थे चलो कोई बात नहीं समझ में आ गया अब हमको तो यहाँ पर ट्वेंटी ट्वेंटी वाला जो है यहां पर आ गया हमारा ए वाला आएगा क्योंकि ए वहां पर है फैक्टोरियल परसेंट मैं एज इट इज नोट कर रही हूँ बच्चे और यहाँ पर के और ट्वेंटी वाले में फैक्टोरियल परसेंट ट्वेंटी ठीक है इसको हटा देते हैं समझ में आ गया है हमको कैसे है अब बात आती है सिंबल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट और दो दो सिंबल्स हैं। हमको समझ में आ गया लेटर का फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू में माइनस का टू कर दो लेटर का ये है नंबर कैसे आया बच्चों नंबर आया है हमारा लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू इन टू माई फोर अब बच गए हमारे सिंबल्स देखने में बड़ा खतरनाक लगता है सिंपल सा तरीका है दो सिंबल्स है पहले एक सिंबल निकालो एक अगर मैं यहां देखूं एक फर्स्ट सिंबल है, है एक सेकंड सिंबल है एक फर्स्ट है एक सेकंड है फर्स्ट है सेकंड है फर्स्ट है सेकंड है ठीक है पहला सिंबल है स्टार फैक्टोरियल, स्टार फैक्टोरियल ठीक है तो पहले सिंबल में दो ही तरीके के सिंबल्स हैं यहां पर देखो फैक्टोरियल, 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 स्टार स्टार, स्टार, स्टार। फैक्टोरियल, दो तरीके के सिंबल्स हैं हमारे पास एक फर्स्ट सिंबल है बच्चों एक है सेकंड सिंबल फर्स्ट सिंबल में दो ही हैं एक स्टार है और एक फैक्टोरियल है अगर दो सिंबल्स यूज हो रहे हैं पहला ये वाला आसान क्योंकि कम सिंबल्स हैं तो ये पहले निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ इवन ओड होगा ठीक है कुछ ना कुछ ओड इवन होगा चार परसेंट सॉरी स्टार फैक्टोरियल फैक्टोरियल स्टार इन दोनों में कुछ कॉमन है पांच और सात नंबर ऑफ लेटर्स ओड ऑड इन दोनों में छ और आठ इन दोनों का है स्टार तो हो सकता है मैं सही हो सकती हूँ यहाँ पर। फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं नीचे वाली लाइन से चेक कर लूंगी पिटिशन डॉटी कंटेंडेड कोर्ट से ठीक है तो चलो कर लेते हैं चेक कंटेंडेड कोर्ट सी माइनस का टू करोगे ए ए आएगा तो ये ए और ए आया है इसके लिए Contended में कितना है बच्चों एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ ऑड कोर्ट में वन टू थ्री फोर फाइव दोनों में ऑड है तो अभी हम यही देख रहे थे अगर ऑड आता है जैसा कि का, कास्ट और मैंडेट केस में तो पहला सिंबल था फैक्टोरियल फैक्टोरियल यानी कि हम सही थे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स नौ और पांच मतलब कि ऑड और, और अगर ऑड है तो दोनों केसेस में पहला सिर्फ पहला पहला लेटर देखना है सॉरी पहला पहला सिंबल फैक्टोरियल 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 ठीक है तो हमको समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स होंगे ऑड तो लगेगा ये और अगर नंबर ऑफ लेटर्स होंगे इवन तो लगेगा स्टार ये चीज हमको समझ में आ गई अब सेकंड सिंबल की तरफ चलते हैं सेकंड सिंबल कितने तरह के है पहले तो इस चीज को नोट कर लो बच्चों ठीक है हाँ। डॉलर है परसेंट है बहुत सारे हैं हमारे पास यहाँ जगह भी नहीं है चलो यहाँ नोट कर रही हूँ मैं एक बार डॉलर्स है परसेंट है सेकंड लेटर सेकंड सिंबल परसेंट एंड है और परसेंट हम नोट कर चुके हैं इसके अलावा और कोई एट द रेट मिला एक इसके अलावा और कोई डॉलर हैश एक हैश तो ये एक दो तीन चार पांच तरीके के सिंबल्स और कोई तो नहीं है बस यही है परसेंट डॉलर हाँ पांच तरीके के सिंबल्स हैं मतलब अब कुछ ईवन और नहीं होगा कुछ ना कुछ नंबर पर होगा कि नंबर ऑफ वॉवल्स वन टू थ्री फोर ऐसा होंगे या फिर नंबर ऑफ कॉन्सेंट वन टू थ्री फोर ऐसा ऐसा होगा कुछ कुछ ऐसा होगा या फिर फर्स्ट लेटर भी से से होता है लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं अब जैसा कि यहाँ पर सेकंड लेटर जो है एंड है और एंड यहाँ पर सिमिलर नहीं है इन दोनों में परसेंट है तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन है अब इन दोनों में क्या कॉमन है पहले ए ई e, दो वॉवल्स तीन कॉन्सोनेट्स में ए ए ई तीन वॉवल्स और चार कॉन्सरेंट्स कुछ भी सेम नहीं है वॉवल्स और कॉन्सरेंट सेम नहीं है मतलब वॉवल्स के काउंट पर डिपेंड नहीं करता है <coughs> वॉवल्स और कॉन्सेंट्स दोनों के ही काउंट पर डिपेंड नहीं करता यानी कि कुछ और है इस तरीके से समझ में आता है ठीक है नंबर ऑफ वॉवल्स दोनों में सेम नहीं है नंबर ऑफ कॉन्सेंट्स वो भी दो वोवल तीन कॉन्सेंट तीन वोवल चारेंट दोनों में सेकेंड सिंबल सेम है परसेंट परसेंट है लेकिन वो वोवल कॉन्सनेट पर डिपेंडेंट नहीं है यानी कि यहाँ पर लेटर का लोचा है है ना? लेटर पर डिपेंड करता है अब लेटर फर्स्ट लेटर सी सेकेंड लेटर एम फर्स्ट लेटर एम मतलब दोनों का फर्स्ट पर सेकेंड लेटर ए सेकेंड लेटर ए हो सकता है सेकेंड लेटर ए लास्ट ई e है लास्ट ई e है तो अब हम क्या करते हैं ये जो परसेंट वाला ना एक और निकालते हैं ठीक है ये निकाल ले टी परसेंट ये वाला इसको हटाई देते हैं इसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि और पर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना मैं हटाई देती हूँ चलो ये वर्डिक्ट जो है वर्डिक्ट के लिए क्या आएगा वर्डिक्ट और वेरियस दोनों का वी है तो यहां पर टी यहां पर है और एक में डॉलर्स लगा हुआ अच्छा कोई बात नहीं तो वर्डिक्ट और वेरियस में कहीं और से देख लेते हैं परसेंट वाला फिर या तो या यहाँ से भी हो जाएगा चलो कोई बात नहीं हम लोग ऐसा देखते हैं इसको आ, 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 आ। कोई और परसेंट देखना पड़ेगा भैया हा, हाँ 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 गड़बड़ हो सकती है क्योंकि यहाँ भी वी है यहाँ भी वी है फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर पर तो चलो डिपेंडेंट नहीं है सेकंड लेटर यहाँ पर ई यहाँ पर ए हाँ देखो सेकंड लेटर यहाँ पर ए था यहाँ पर ए था तो दोनों में था परसेंट Percent. अब लेटर पर है 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 तो हो सकता वेरियस वेरियस का का होगा होगा ये 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 वाला वाला ये वाला परसेंट जो ना फिर भी कंफर्म करने के लिए S की प्लेस वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक इस मतलब मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था समझ में आया एक और चीज समझो 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 ध्यान से समझो मतलब कि जो सेकंड सिंबल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं कास्ट और मैंडेट में हमको सिमिलर नजर आया सेकंड लेटर ए ए सेम है लास्ट लेटर ई ई सेम है तो हमने निकाला वर्डिक्ट और वेरियस क्योंकि वर्डिक्ट और वेरियस दोनों का क्या था ये वाला था अब वेरियस का था ये वाला टी फैक्टोरियल परसेंट सेवेंटी सिक्स तो अब हमको ये देखना था कास्ट मैंडेट और वेरियस में क्या सिमिलैरिटी है कि तीनों में सेकेंड सिम्बल परसेंट आया है ठीक है तीनों में तीनों में ही सेकेंड सिंबल परसेंट आया है तो वो कैसे आया है क्योंकि इसका सेकेंड लेटर ए है सेकेंड लेटर ए है और इसका भी वेरियस में भी सेकेंड लेटर ए है तो यानी कि सेकेंड सिंबल जो है अगर सेकेंड लेटर आपका ए आता है तो हम क्या सिंबल देंगे परसेंट परसेंट कब आएगा यहाँ पर लिख रही हूं सेकेंड लेटर अगर आपका है ए आएगा ठीक है इस तरीके से अब आप चेक कर लो यहाँ पर एंड लगा है तो सेकंड लेटर है u सेकंड लेटर u है तो एंड लगेगा चाहो तो और भी चेक करके देख लो सेकंड लेटर अगर e है तो डॉलर्स लगेगा अब जैसे कि ये वाला वर्डीक्ट वाला था सेकंड लेटर e था ना तो इसमें सेकंड सेकंड सिंबल तुमको क्या मिलेगा डॉलर्स वाला तो इसका वर्डीक्ट का था बच्चों ये वाला तो इसमें दूसर, ये दूसरा सिंबल तुमको यही तो मिला डॉलर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ठीक है तो अब एट द रेट वाला इसी तरीके से निकालो हैश वाला भी निकालो बस अब हो गया सेकंड सेकंड लेटर पर डिपेंड करता है सेकंड लेटर पर डिपेंड करता है ठीक है अब एट द रेट और हैश बच गया। का ये देखो देखो जरा यहाँ पर है तुम्हारा डी फोर फोर इंटू फोर एट सॉरी अरे भैया फोर इंटू फोर सिक्सटीन तो यानी कि ये वाला जो है सिक्सटीन ये इसका है सेकंड सिंबल यहाँ पर एट द रेट यूज हुआ है। तो इसका सेकेंड लेटर कौन सा है ओ तो जिसका सेकेंड लेटर ओ होगा वहां पर एट द रेट आ जाएगा अब तुम्हारा अकेला हैश बच गया है तो हैश वाला देखो जरा ये है बी सेक्टोरियल हैश हंड्रेड तो डर्टी का है ये डर्टी का क्योंकि वाई ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड बनेगा ना तो इसमें सेकंड लेटर आई है तो सेकंड लेटर अगर आपका आई होगा तो वहां पर आ जाएगा आपका है मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा सब आपके सामने है लेटर कैसे कैसे निकाला? निकाला? की की में minus two करेंगे वो वाला का जो है दो तरीके के एक एक पहला symbol, एक second. First symbol, दो ही तरीके के हैं स्टार और फैक्टोरियल नंबर ऑफ लेटर है तो स्टार नंबर ऑफ लेटर तो फैक्टोरियल सेकेंड लेटर कैसे आया अगर सेकेंड लेटर ई है तो डॉलर सेकेंड लेटर ए है तो परसेंट <laughs> आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा Contended का निकालना है, इसी तरीके से निकाल लेंगे। D फोर इंटू फोर सिक्सटीन आएगा और C माइनस टू मतलब A आएगा दो सिंबल्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नो मतलब कि Odd है तो फैक्टोरियल पहला सिंबल तो बच्चे तुम्हारा हो गया फैक्टोरियल दूसरा सिंबल कौन सा है सेकेंड लेटर है तुम्हारा ओ सेकेंड लेटर ओ है तो ओ वाला कौन सा है एट द रेट अगर सेकेंड लेटर ओ होगा तो एट द रेट होगा तो देख लो तो पर है ए डी ऑप्शन इसी तरीके से आप ए निकाल सकते हैं पी स्टार डॉलर एटी किसका कोड है होमवर्क है ये तुम्हारा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगला क्वेश्चन फटाफट पड़ से देख लो सॉल्व करो इसे इस क्वेश्चन में भी बच्चे दो तरह के सिंबल यूज किए हुए हैं चलिए फाउंडेशन लेजेंड समिट समिट एंगेज दो दो सिंबल्स हैं Q जीरो टू सिक्सटी वन नंबर बड़े ही डायनेमिक एकदम अलग नाइनटी थ्री जीरो वन मतलब अगर हम दिमाग में सोचे भी कि सबका ऐड किया गया है तो सबको ऐड करके कभी भी जीरो टू तो नहीं आएगा जीरो वन तो नहीं आएगा और जीरो टू ही क्यों लिखा हुआ है सिंपल टू नहीं लिखा हुआ है है ना कुछ तो लोचा है कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेनी है किसका क्या है ये तो अब हम नहीं जानते हैं <coughs> सभी का नोट कर लेते नंबर ऑफ लेटर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके सबकी प्लेस वैल्यूज को मैं नोट कर रही हूँ बच्चों ठीक है लेजेंड बस कुछ गड़बड़ ना कर दू मैं लिखने में ई का फाइव एन का फोर्टीन जी सेवन ए वन जी सेवन ई फाइव ओके और ऑपोजिट्स एफ का ऑपोजिट क्या होगा यू ओ का ऑपोजिट एल यू का ऑपोजिट एफ एन का एम डी का डब्ल्यू ए का जेड टी का जी आई का क्या होता है भाई आई का आर ओ का एल एन का एम <coughs> एल का है बच्चों एल का ऑपोजिट एल्का ओपोजिट का वी जी का टी ई का वी एन एनका एम का डब्ल्यू एस का एच यू का एफ एम का एन एम का एन आई का आर टी का जी ई का वी एन का एम जी का टी ए का जेड चलो अब क्या करें भैया पहले तो मैं ये देखती हूँ कि नाइन्टी थ्री और सिक्सटी वन कैसे पॉसिबल है आना और जीरो सबको ऐड करने का कोई मतलब बनता नहीं है जीरो टू एंड सिक्सटी वन थ्री इतना बड़ा नंबर लास्ट लास्ट का एक बार ई एफ और ये एन बच्चों होता 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 है 6 प्लस 14, 20 होता है प्लस D, 12 प्लस 4, 16 होता है एल डी एस टी होता है मुझे तो मिल गया आंसर ई प्लस ई फाइव प्लस फाइव टेन होता है नंबर समझ में आ गया सभी को नंबर क्या है फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके उसका रिवर्स कर दिया नंबर को ही यहाँ पर ट्वेंटी था ज़ीरो टू आ गया यहाँ पर सिक्सटीन था सिक्सटी वन आ गया यहाँ पर थर्टी नाइन था नाइन्टी थ्री आ गया यहाँ पर टेन था जीरो वन आ गया समझ में आ गया अब अब जब हमको एक बार एक चीज़ पता चल गई ना और उसका रिस्पेक्टिव हमको फिर कोड पता चल गया कि पूरे के पूरे वर्ड का कोड ये है तो चीज़ें आसान हो जाती है निकालनी जैसे कि यहाँ पर आया जीरो टू जीरो टू वाला है ये यहाँ पर है क्यू पहला लेटर पहला सिंबल है क्वेश्चन मार्क लास्ट में है एंड सिक्सटी वन में यहाँ पर ये यूरो जैसा कुछ सिंबल बना है यहाँ पर है यू यहाँ पर है एट द रेट नाइन्टी थ्री के केस में यहाँ पर सिंबल बना है ये यूरो वाला और ओ है एट द रेट है चलो सिंबल्स को मारो गोली नंबर हमारा निकल चुका है और फिर उसका उल्टा कर देना है उसी नंबर को रिवर्स कर देना है ठीक है चलो अब हम ढूंढते हैं लेटर अब ये क्यू जो है किसके आसपास है फाउंडेशन और इसमें अब ऐसे तो तुम कहोगे बहुतों के आस मतलब बहुत पास एफ के पास नहीं ओ के पास नहीं आर के इस क्यू और यू ये भी काफी दूर है फाउंडेशन <coughs> में मुझे ना तो किसी का ऑपोजिट ऑब्वियसली किसी का ऑपोजिट भी नहीं है तो ये अब इसमें तो मुझे किसी का आसपास नहीं नजर आ रहा देख लो एफ और क्यू में बहुत फर्क है ओ और क्यू में यू और क्यू में एन और क्यू में यूएलू जेड जी आर एल एम ऐसे तो भैया अच्छा एक चीज देखो थोड़ा देखते हैं यहां पर क्यू यहां पर है क्यू यहां पर है यू अब यू जो है मुझे दिख रहा है वी माइनस का वन क्यू मुझे दिख रहा है आर, का वन। मुझे यहाँ पर o दिख रहा है N प्लस, का वन o, यहां पर प्लस वन आ रहा है माइनस वन माइनस वन और वो भी मैं यहाँ पर एक पैटर्न देख रही हूँ लास्ट से जो थर्ड लेटर है मतलब लास्ट से थर्ड लेटर का ऑपोजिट लास्ट से थर्ड लेटर का थर्ड लेटर है ई का ऑपोजिट वी माइनस का वन लास्ट से थर्ड लेटर एम एम का ऑपोजिट है एन उसमें प्लस वन किया गया यहां पर वाई यहां पर भी क्या किया गया बच्चों माइनस वन लास्ट से जो थर्ड लेटर है माइनस वन तीन जगह पर माइनस वन एक जगह पर प्लस वन कैसे यहां पर अगर मैं तीसरा लेटर देखू आई है यहां पर तीसरा लेटर देखू ई e है यहां पर लास्ट से तीसरा लेटर एम है यहां से तीसरा लेटर है ए ए आई लास्ट से तीसरा लेटर है वोवल तो वोवल के केस में माइनस वन माइनस वन माइनस वन के केस में प्लस वन समझ में आ गया मतलब कि लेटर का लास्ट थर्ड लेटर जो है तुम्हारा अगर तो वो है वोवल तो उसका रिवर्स माइनस का वन और अगर तो वो है कॉन्सोनेंट तो उसका रिवर्स प्लस का वन और तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा कंफर्म करने के लिए बाकी जगह से चेक कर लो <coughs> <coughs> अब चाहो तो कंफर्म कर सकते हो कुछ छोटा वर्ड उठा लो ना यहाँ से जैसे कि एफर्ट्स एफर्ट्स है, है ना? अब है, तो ई e और एस एस मतलब नाइनटीन ई e मतलब कि फाइव नाइनटीन प्लस फाइव ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर का ऑपोजिट फोर्टी टू ये है फोर्टी टू है इसका लास्ट थर्ड लेटर कौन सा है आर क्या है कॉन्सनेट तो इसके ऑपोजिट प्लस का वन करेंगे आर का ऑपोजिट होता है आई आई प्लस वन जे बिल्कुल सही है जो हमने सोचा है ऊपर नोट किया एकदम सही है चलो तो इतना हो गया अब बच गए हैं हमारे पास में सिंबल एक पहला सिंबल है और एक लास्ट में सिंबल यूज किया गया है पहला सिंबल में क्या क्या यूज किया गया है चेक कर ले फर्स्ट सिंबल है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क है rate, rate, तीन तो मुझे पहले में नजर आ गए फैक्टोरियल एक और नया नजर ये चार तरीके के हैं क्या चार तरीके के हैं इधर फर्स्ट सिंबल जगह नहीं है हमारे पास यहां पर इसको बच्चों तुम लोग नोट करके रख लेना ठीक है <coughs> 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 तो जो फर्स्ट सिंबल है चार तरीके के हैं क्वेश्चन मार्क एट द रेट पिक्टोरियल और एक और बचा है हैश हैश सेकंड सिंबल है जो तुम्हारा कौन कौन सा एंड आया है यूरो ऐसा <laughs> परसेंट आया है और क्या आया है तीन ही है परसेंट डॉलर्स भी है ये राय डॉलर्स चार तरीके के सिंबल सेकंड सिंबल में जो सिंबल सेकंड सिंबल के लिए जो हमारे पास में सिंबल्स हैं वो भी उसका काउंट भी चार है और जो पहला सिंबल यूज हुआ है उसका काउंट भी हमारे पास में बच्चों चार है <coughs> अब ऑब्वियसली चार काउंट है दो होता तो कुछ इवन ऑड होता अब चार-चार सिंबल्स हैं तो मतलब कि नंबर ऑफ वॉवल्स और कॉंसोंन्ट्स एक बार तो दिमाग में लेके चला करो वहां से कुछ ना कुछ बनेगा चेक कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सिंबल भी नहीं चेक किया ना अभी हमने अच्छा पहला सिंबल एट द रेट एट द रेट दोनों में सेम लेजेंड और समिट में क्या चीज सेम है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स छे छे ऐसे तो वहां भी छे हैं लेकिन इधर है शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता <laughs> नंबर ऑफ वॉबल्स और कॉन्सेंट्स निकालते हैं ई ई दो वॉबल्स चार कॉन्सोनेंट्स यू और आई दो वॉवल्स चार अब दोनों चीजें बाई चांस सेम सेम आ गई तो अब हमको एट द रेट वाला और भी कोई चेक करना पड़ेगा है ना अगर मैं चलो यहाँ देखो फाउंडेशन ओ यू ए आई ओ पांच वॉवल्स पांच कॉन्सोनेंट इसमें है एंड इसमें जरा चेक करो ई e, ए e, तीन वॉवल्स और तीन कॉन्सोनेंट्स तब में सब में सबका काउंट आया है अलग अलग <laughs> <laughs> कोई बात नहीं रेट वाला एक और निकाले क्योंकि रेट में हमको समझ में आ गया है, दो ओवल चार कॉन्सेंट दो ओवल चार कॉन्सेंट तो सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं ना एट द रेट स्टार्टिंग में और कहाँ पर आया है मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा भैया कहीं है ही नहीं मतलब कि हमको लेजेंड और समिट का अभी तक नहीं पता चला है क्या बात है चलो फिर कुछ और सिमिलर चेक करते हैं जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया आ जाओ ऐसे चेक कर लेते हैं ठीक है तो हाँ हमको पता है ये जो कोचिंग है कोचिंग के लिए जी सेवन सी थ्री तो टेन का ऑपोजिट रिवर्स जीरो वन तो यानी कि क्यू जीरो वन क्वेश्चन मार्क कोचिंग के लिए है तो कोचिंग में चेक कर ले कोचिंग का समझ में आ गया है क्वेश्चन मार्क यू जीरो वन परसेंट समझ में आ गया तो अब कोचिंग में टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स और वो निकालते हैं ओ ए आई तीन है बच्चों वॉवल्स और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल आठ लेटर्स हैं तो पांच है कॉन्सोनेंट्स पांच कॉन्सोनेंट्स है कोचिंग में और तीन वॉवल्स हैं तो जरा चेक करो हम क्वेश्चन मार्क के लिए देख रहे थे ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या था हमारे पास में पांच वोवल पांच कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट की सिमिलैरिटी कोचिंग में ये देखो ये है हमारे पास में कोचिंग में पांच कॉन्सोनेंट हैं और तीन वोवल हैं ठीक है <coughs> कोचिंग में पांच वोवल हैं ये देखिए कोचिंग में पांच वोवल हैं और सॉरी पांच कॉन्सोनेंट तीन वोवल फाउंडेशन के लिए भी स्टार्टिंग जो पहला सिंबल है क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है पांच ओवल पांच कंसोनेंट तो दोनों में सिमिलरिटी क्या पांच कंसोनेंट की यानी कि जो पहला लेटर है वो नंबर ऑफ कंसोनेंट्स के काउंट पर डिपेंड करता है जो पहला सिंबल है तो पहला सिंबल क्वेश्चन मार्क का हमें पता चल गया अगर नंबर ऑफ कंसोनेंट्स पांच होंगे तो अब याद रखना क्योंकि पहला सिंबल ये है तो इसमें सभी के सभी कंसोनेंट्स ही होंगे और यहां पर चांसेस हैं कि वो वॉवल्स होंगे आ जाओ फिर से चेक कर लेते हैं तो लेजेंड और समिट में अरे एक और चीज देखो बहुत सिंपल सी मैं सच में दिमाग से अब मुझे नजर आ रही है मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट सिंबल चेक कर रही हूं ना सेकंड सिंबल भी तो सेम है दोनों में एट द रेट एट द रेट फर्स्ट सिंबल सेकंड सिंबल ये ई वाला यूरो वाला यूरो वाला दोनों सेम है तो इसमें सिमिलैरिटी थी चार कॉन्सोडेंट ही सॉरी दो वोबल्स अरे नहीं 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 सही है सही है सही है ठीक है चार कॉन्सनेंट्स दो वोबल्स तो ये तो था ही कंफ्यूजन तो हमको समझ में आ गया कि दो वोबल्स होने पर ये आएगा और चार कॉन्सनेंट्स होने पर एट आएगा ठीक है अब एक और चीज समझो यहाँ पर हमारे पास तीन वोवल तीन कॉन्सोनेंट तीन कॉन्सोनेंट होने पर हैश आएगा तीन कॉन्सोनेंट पर ठीक है तीन कॉन्सोनेंट पर हैश आएगा हो गया और ये परसेंट कैसे आया तीन वोवल होने पर तीन वोवल पर परसेंट आया तो यहाँ पर तीन वोवल होंगे तो परसेंट इसी तरीके से आप बाकी भी चेक कर सकते हो आपका निकल आएगा ठीक है बच्चों, इसको तो हटाई देती हूं बच क्या गया है हमारा एक एंड बच गया है डॉल बच गया है अरे ये भी देखो क्वेश्चन मार्क वाला जब अभी हम सोल्व कर रहे थे फाउंडेशन के लिए था ना ये हम्म hmm, फाउंडेशन के लिए था ना तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉन्सोनेट्स हमने निकाले थे उसके हिसाब से आ गया था क्वेश्चन मार्क वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन है टोटल पांच कॉन्सोनेट्स और पांच ही वॉवल्स अगर होंगे तो एंड आ जाएगा एंड कैसे आ जाएगा पांच <coughs> इसी तरीके से इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो तो मेरे ख्याल से हो गया बस एक तुम्हारा डॉलर वाला सिंबल बच गया है तो डॉलर तुमको एंड में कहा दिख रहा है यहाँ दिख रहा है फटाफट से इसका निकालो जितने भी नंबर ऑफ वॉवल्स होंगे ना इसके रिस्पेक्ट वाले में वो तुम्हारा हो जाएगा आंसर ठीक है चलिए आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा इससे ज्यादा मैं अभी पढ़ा नहीं पाऊंगी बच्चों ठीक है तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा अगर फिर भी कुछ डाउट लगता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना और अगर इसी ये तो क्लास वन था हमारा हाई लेवल कोडिंग रिकॉर्डिंग का और ऐसा नहीं है कि कोडिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पर खत्म हो गया ये तो बस दिमाग खुलने की बात है जितने अलग अलग वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे उतना हमारा दिमाग खुलता जाएगा और पेपर में हमारा उतना दिमाग चलेगा ठीक है ऐसा होता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि जो हम पढ़ के जाते हैं एग्जैक्टली सेम पेपर में आ जाता है नहीं जरूरी नहीं है मेंस के पेपर में आ भी सकता है ऐसा नहीं है हो भी सकता है पर ऐसा जरूरी नहीं है तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा सेशन कैसा लगा जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर <coughs> होमवर्क में जरूर दे दीजिएगा और नेक्स्ट सेशन आपको कौन सा चाहिए जरूर बताइएगा ठीक है चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बाय टेक केयर और टेलीग्राम चैनल पर हर रोज डेली बेसिस पर आपको चेकलिस्ट मिलती है वहां पर ज्वाइन हो जाओ टेली लिंक गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो डायरेक्ट पहुँच जाओ ठीक है चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल बाय टेक केयर हर रोज़ कोशिश करूंगी रिकॉर्डेड सेशन दे दूं और अच्छे से ठीक हो जाऊंगी तो लाइव सेशन भी स्टार्ट कर लेंगे ठीक है बाय